अब हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे कि ये जो अमोनिया है ये हमारे लिए कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इस पे इंपॉर्टेंस, ऐसे वर्ड्स है, टॉपिक्स है, स्टेटमेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डेंजर क्यों है। तो सबसे पहले हम अमोनिया से रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अमोनिया एक तरह सा वाइडली प्रोड्यूस केमिकल है। इसका जो अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होता है, और ये प्योर फॉर्म में है। अमोनिया अगर प्योर फॉर्म में है तो उसे हम कहते हैं एनहाइड्रोक्सिस अमोनिया। और अमोनिया हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो नेचर में कॉमनली पाया जाता है अमोनिया। और जो अमोनिया जो होता है ये हमारे बॉडी का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये प्रोटीन्स को बनाता है, और अदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसे भी ये हमारे बॉडी पे बनाता है, कौन, अमोनिया। और अगर नेचर की बात करें, नेचर में कहाँ से अमोनिया आता है, तो नेचर में अमोनिया ऑकर इन सॉइल, अमोनिया सॉइल में पाया जाता है। सॉइल में क्यों, कैसे पाया जाता है, फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोसेस, जो बैक्टीरिया का बैक्टीरियल प्रोसेस होता है उसके द्वारा अमोनिया पाया जाता है सॉइल में। और ये प्लांट से, एनिमल से, और एनिमल वेस्ट डीके से, जो सड़े हुए जानवर के रहते हैं वहां से भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और अमोनिया एक कलरलेस है, ठीक ना, और ये एक इरिटेटिंग गैस है। तो अमोनिया क्या है, गैस है, एक कलरलेस गैस है, और जो कि बहुत इरिटेट करती है, जिसपे हम सबको सफोकेटिंग, जो सफोकेशन में दिक्कत होता है। और अमोनिया पानी से मिलने के बाद ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो सॉल्यूशन रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने के बाद अमोनिया का जो सॉल्यूशन बनता है उससे क्या क्या कॉजेस होते हैं, इरिटेशन होता है, बन बन जल भी जाता है, और अमोनियन गैस जो होते हैं वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाते हैं एंड फॉर्म अ क्लियर कलरलेस लिक्विड अंडर प्रेशर। और जब इन इन पे प्रेशर पड़ता है ना तो ये एक तरह से क्लियर कलरलेस लिक्विड बन जाती है। और इसे क्या किया जाता है, कंप्रेस करके एक स्टील के सिलेंडर में इसे यूजुअली सिप किया जाता है, भरा जाता है। और अमोनिया जो है ये फ्लेमेबल नहीं है, और जो कंटेनर है, कंटेनर ऑफ अमोनिया में एक्सप्लोड व्हेन एक्सपोज टू हाइट। अगर अमोनिया का कंटेनर अगर एक्सपोज होता है हीट के चलते तो यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर सकता है। तो हम अमोनिया के बारे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें, प्रयागराज में एक इंडस्ट्री थी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफको, ये प्रयागराज में थी। यहाँ पर अमोनियम गैस का लीक होने से काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हमें अमोनिया गैस के बारे पढ़ना है। और अमोनिया को स्टोर करके रखा जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और यहाँ पर अमोनिया जो रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अंडर हाई प्रेशर में अगर रखा गया तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में है, और लो टेम्परेचर पे है तो अमोनिया गैसियस फॉर्म में है। तो जो केस हुआ इफको में, जो एक्सीडेंट हुआ उससे रिलेटेड ये बातें कर रही है अमोनिया, और जो विक्टिम जो थे वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस जो लीक हुआ उसके चलते ये विक्टिम इन्हें चोट लगी है। हेवनली फ्रॉम प्लांट, जो अमोनिया, दी विक्टिम हैड कम इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अमोनियन गैस डैट लीक हेवनली फ्रॉम प्लांट। हाँ, ट्राईहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ट्राईहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन को कहते हैं NH3। अमोनिया इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अमोनियन नाइट्राइड, तो अमोनिया ही अमोनियन नाइट्राइड को बनाता है। और अमोनिया को यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों क्यों यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि इस पे हाई नाइट्रोजन रहता है, और ये फर्टिलाइजर के तौर पे हम इसे एग्रीकल्चर पे यूज करते हैं। अगर हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट पड़ता है अमोनिया गैस से, तो अगर अमोनिया का मॉडरेट कंसंट्रेशन हो, थोड़े से क्वांटिटी, तो अमोनियन गैस क्या काउज करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, इरिटेशंस टू आई, आई आईज में इरिटेट होती है या खुजली होती है, कुछ ऐसा इरिटेट कर देती है आईज में, स्किन में भी वैसा ही होता है, नोज, थ्रोट में, ये सब प्रॉब्लम करती है अमोनिया। और अमोनिया काफी जल्दी पानी में घुल भी जाता है, और ये गैस काफी टॉक्सिक है जो
लंग्स के, ह्यूमन लंग्स को अफेक्ट करती है। देखो मैंने ये सब इसलिए स्किप किया ना कि आप भी कुछ पढ़ो यहाँ से, और यहाँ से जो जो भी क्वेश्चंस आएगी वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगी, तो ये आप पढ़ो, ये काफ़ी आसान इजी लैंग्वेज में है। और मेन यूज़ कहाँ होता है अमोनिया का, 80% जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्री में वो एग्रीकल्चर में जाकर यूज होती है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के द्वारा यूज होती है। अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज और जो रेफ्रिजरेटर गैस है वहां पर भी अमोनिया का यूज किया जाता है, और प्यूरीफाई वाटर सप्लाई जो रहता है प्यूरीफायर में भी रहता है, और प्लास्टिक बनाने में भी ये काफ़ी मददगार रहता है, और ये काफ़ी एक्सप्लोजिव भी रहता है अगर ये हीट के कांटेक्ट में आता है। इससे फैब्रिक, पेस्टिसाइड, डाइज और अदर केमिकल भी ये हम सबको प्रोवाइड कराता है, इसे यूज कर सकते हैं हम। इट इज़ फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ क्लीनिंग सॉल्यूशन में भी अमोनिया काम आता है। तो क्लीनिंग सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटेन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड क्विकली काउज इरिटेशन एंड बर्न। अमोनिया इज अ क्रिटिकल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम सिंथेटिक केमिकल प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अमोनिया ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेडिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को हम फॉर्मेडिहाइड के भी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया अमोनिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे हमारे पास।